हेलो दोस्तों, जिग जैग में एक बार से फिर आपका स्वागत है। क्या आपको पता है कि एटीएम से पैसे निकालने के अलावा हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हैं, वेब होस्टिंग दे सकते हैं, ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं और भी बहुत सारे ऑनलाइन पेमेंट हम अपने एटीएम से कर सकते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि एटीएम कार्ड से आप कैसे ऑनलाइन पेमेंट करें। तो आज के इस वीडियो में हम अपने एक वर्चुअल कार्ड का यूज़ करके हम पेमेंट करेंगे और इस पेमेंट में हम अपने मोबाइल में रिचार्ज करेंगे। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम देखते हैं कि अपने एटीएम वर्चुअल कार्ड से कैसे अपने मोबाइल में रिचार्ज किया जाए। वर्चुअल कार्ड दो तरीके से बना सकते हैं, एक नेट बैंकिंग से और दूसरा कोई ऐसा एप्लीकेशन यूज़ करके ऑक्सीजन वॉलेट से। तो इसमें मैंने ऑक्सीजन वॉलेट से एक कार्ड बनाया है। चलते हैं ऑक्सीजन वॉलेट पे और देखते हैं कि कैसे इस पे काम करना है। तो दोस्तों, ये रहा मेरा वर्चुअल कार्ड जो कि मैंने इसको क्रिएट किया है इसी ऑक्सीजन वॉलेट से, और मैं इसमें अपने मोबाइल से रिचार्ज करूंगा और इस वर्चुअल कार्ड से। तो सिंपली आपको अपना ऑक्सीजन वॉलेट ओपन कर लेना है और उसके बाद जाना है पे में। यहाँ में पे में जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको प्रीपेड पोस्टपेड फर्स्ट ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन, आपको अपना नंबर फिलअप करना है जिस पे आपको रिचार्ज करना है। तो मैं यहाँ पे नंबर फिलअप कर लेता हूँ। उसके बाद जैसे ही आप नंबर फिलअप कर लेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे देगा पे इंस्टेंटली फ्रॉम ऑक्सीजन वॉलेट या फॉर रिसीट पे क्लिक करेंगे तो ये आगे का प्रक्रिया पूरी होगी। यहाँ पे दे रहा है कि आपके वॉलेट में कितना बैलेंस है और आप कैसे यहाँ से इसको पे करना चाहते हैं। ऊपर ऑप्शन दिया है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, तो हमको क्रेडिट कार्ड का यूज़ करना है। तो हम क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करेंगे तो इस तरह क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे कार्ड नंबर दिया है तो हम इस वर्चुअल कार्ड के नंबर को यहाँ पर फिलअप करेंगे। तो हम यहाँ पर फिलअप कर लेते हैं 8747800069 8007। इसके बाद कार्ड होल्ड नंबर नेम, यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैं अपना नाम दे देता हूँ साई। इसके बाद यहाँ पे कार्ड जिस एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर कार्ड नंबर नेम से है तो उस वही नेम आप यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे मिलता है एक्सपायरी डेट, तो हम वर्चुअल कार्ड के यहाँ से जो डेट मिलती है वही यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे लिखा है 6 और एक्सपायरी ईयर्स 21 और इसके बाद CVV नंबर है। यहाँ पे देखिए आप वर्चुअल कार्ड में ये मिल जाएगा CVV, यहाँ पे हम दे सकते हैं जो नंबर यह इस कार्ड पे दिया है यही मेन रहता है। और यहाँ पे निकनेम, आप यहाँ पे निकनेम में कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे निकनेम दे देता हूँ अहमद। और यहाँ पे दे रहा है सेव कार्ड, अगर यहाँ इसको चाहते हैं कि सेव कर लें और फिर दोबारा कभी ज़रूरत हो तो इस पे क्लिक कर सकते हैं। तो आप सेव कर सकते हैं और विदाउट सेव, तो मैं विदाउट सेव करके ओके करता हूँ। तो यहाँ पे दे रहा है कि ओके, इंफॉर्मेशन दे के दे रहा है कि इतना आपको 0.2 आपका सरचार्ज लगेगा। वीज़ा कार्ड ओके, कुछ सेकंड आपको वेट करना होगा। टेन ट्वेंटी, अब देखिए जिस नंबर से आपने का ये नेट बैंकिंग कनेक्ट होगा उस नंबर मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे आपको इंटर करना होगा। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो आपका रिचार्ज सक्सेसफुली हो जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।